बलात्कार के मुजरिम राम रहीम के जेल जाने के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। इस बार का खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल राम रहीम के साथ बीजेपी नेताओं की नज़दीकियां और डेरा में बीजेपी नेताओं द्वारा लगाई जाने वाली हाजिरी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बाबा की कथित बेटी हरप्रीत इंसा की माने तो हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने बाबा का समर्थन मांगा था। बदले में सरकार बनने के बाद केस हटाने की डील हुई थी। दरअसल राम रहीम को इस बात का अंदाजा पहले से ही हो चुका था कि बलात्कार के मामले में उनका बच पाना मुश्किल है। ऐसे में खुद को पाक साफ बताने और जेल जाने से बचने के लिए बाबा, जो पहले कांग्रेस के करीबी माने जाते थे, उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी का दामन थामना शुरू कर दिया था। बाबा की बेटी के अनुसार हरियाणा में बीजेपी का समर्थन करने के बदले बाबा ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक डील की थी कि सरकार बनने के बाद बाबा के ऊपर रेप का केस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब बाबा जेल पहुंच चुके हैं, तब उनकी बेटी का कहना है कि बीजेपी ने राम रहीम के साथ धोखा किया है। हनीप्रीत की माने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त मनोहर लाल खट्टर ने बाबा की मुलाकात अमित शाह से करवाई थी। इस दौरान यह डील हुई थी कि डेरा के प्रभाव वाली 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए डेरा फरमान जारी करेगा। इसके बदले उन पर चल रहा रेप का केस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जीत के बाद बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। TNS न्यूज की रिपोर्ट।